जी, तीसरी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में जो है वो एक एक फ्लड आया था यूट्यूब चैनल्स का, जिनको हम यूट्यूबर्स कहते हैं। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है रिपोर्टिंग करना शुरू की, जिसको हम जर्नलिज्म कहते हैं। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कुछ यंग लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने अपने चैनल बनाए और उन चैनल्स पे जो है वो सारे दिन की जो भी अपडेट होती है वो शेयर कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है पॉलिटिकल चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ लोग जो है वो कोर्ट्स के मामला शेयर कर रहे होते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट पर बात कर रहे होते हैं, और कुछ जनरल किस्म के किसी ना किसी तरह की डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना रहे होते हैं या एनीथिंग लाइक दैट। जो बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये कि आप और मैं या हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अब रात के 9 बजे के खबरनामे का इंतजार करते हैं किसी भी खबर को सुनने के लिए। ऐसा नहीं होता ना, हम इंतजार करते हैं उन लोगों पर जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और जो कि हमारे प्रेफर्ड जो हमारी हमारा सेगमेंट है उस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन समझने की बात उसमें ये है कि यही वो लोग हैं जिनको हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया एक ज़माने तक जर्नलिस्ट कहना पसंद नहीं करता था, और इनको हमेशा हम एक टर्म यूज़ करते थे यूट्यूबर्स की। ये यूट्यूबर्स हैं, इनकी रिपोर्टिंग में क्या रखा है, हमेशा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इनको तजीक की नज़र से देखता था और हमेशा इनको एक अनऑथेंटिक किस्म के लोग समझा जाता था। लेकिन आज उनमें से कितने यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र आते हैं और जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कंपेल्ड होकर हायर किया और अपने चैनल्स की रीच बढ़ाने के लिए हायर किया। क्या समझ आता है इस बात से?